शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुण अति चातुर इस संसार में आज भी केवल एक ही है जो भगवान श्री राम के कहे को कभी टाल नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया वह उसके लिए पत्थर की लकीर है और आज भी वह केवल एक ऐसा है इस संसार में जो उनके हर काम करने के लिए आतुर है। राम काज करी बे को आतुर और वह और कोई नहीं बल्कि खुद हनुमान जी हैं जिनको श्री राम ने कहा था कि कलयुग के अंत तक तुम इस संसार में रहोगे और मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार करोगे। और वही हनुमान जी जो हम सबके बीच कहीं ना कहीं मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते पर उनकी शक्तियों को उनको महसूस जरूर कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ अयोध्या में आज जब राम लल्ला के कपाट खुले हैं आम लोगों के लिए आम जनता के लिए श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में। और ऐसे में वहां पर इतना सारा जो काम हो रहा था जो तैयारियां हो रही थी उस बीच हर भक्त के मन में केवल यही था यही लालसा थी कि वह भी वहां पहुंचे उस काम में अपना योगदान दें और भगवान राम लल्ला के वो भव्य दर्शन करें जिसका वह सदियों से इंतजार कर रहे थे कई सालों से कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन भगवान राम लल्ला के साथ साथ लोगों ने उनके परम भक्त हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए। ये बात खुद श्री राम क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आई है कि एक बंदर अंदर घुसता है मंदिर परिसर के और वह गर्भगृह की ओर आगे जाने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ के बीच में वह बंदर अचानक से प्रवेश करता है। तभी जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर जो तैनात थे जिनको प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था अचानक से उनकी नजर उस बंदर पर पड़ती है। उनको लगता है कि कहीं वो अंदर आकर कुछ उत्पात ना मचाए या फिर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए या फिर कोई मूर्ति ना गिरा दे। लेकिन जैसे ही वो बंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने वाला ही होता है तभी सुरक्षा कर्मी उसके पीछे भाग जाते हैं। तभी अचानक से वह बंदर उत्तरी द्वार से बाहर निकल जाता है। और यही उत्साह था तमाम राम भक्तों के अंदर। उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए। वहां जो लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने प्रभु राम लल्ला के दर्शन के साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए। उन्होंने कहा कि सफल हो गए क्योंकि उन्होंने खुद उनके परम भक्त हनुमान जी को भी देख लिया। वहां जो सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे उन्होंने भी यही बात कही कि राम लल्ला के साथ साथ ऐसा लगा जैसे हनुमान जी उनके दर्शन करने पहुंचे हों और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वह बंदर वहां से चुपचाप निकल जाता है। पहले दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता है भीड़ से होते हुए गर्भगृह तक जाने का प्रयास करता है और जैसे ही सुरक्षा कर्मी उसके पीछे भागते हैं वह तुरंत उत्तरी द्वार से मंदिर के बाहर निकल जाता है। तो लोग अब यही समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद हनुमान जी के दर्शन कर लिए। देखिए इस संसार में बहुत सार शक्तियां हैं और हनुमान जी को तो खुद भगवान श्री राम ने कहा था कि तुम कलयुग के अंत तक रहना और मेरी जो कथाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना। और यह बात जो भक्त हैं वह सच भी मान रहे हैं कि शायद जिस तरीके से हर भक्त राम लल्ला के दर्शन करने के लिए उत्सुक था इसी प्रकार कहीं ना कहीं हनुमान जी भी किसी स्वरूप में आना चाहते होंगे उनके दर्शन के लिए। और हो सकता है वो वानर रूप धरकर भगवान राम लल्ला के दर्शन करने वहां पर पहुंचे। राम लल्ला के दर्शन करके वो वहां से चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकल गए। उसके बाद वो बंदर कहां गया किसी को मालूम नहीं लेकिन वहां जो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया उसके हिसाब से वह यही कह रहे थे ऐसा लगा जैसे राम लल्ला के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। अगर आपका वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।